Good morning, student. Welcome to Private Public School. We learn about the Nestle in India. First chapter, topic 3, Nestle in India. Introduction. इसे आने के पहले बच्चा आप बोलते हैं What do you mean by the Nestle in India? Nestle in India. राष्ट्रवाद क्या है? In the Nestle, people believe that their country is the best country of the world. They believe that they belong from same land. In the Nestle, people share among them culture, tradition, languages, etc. In the Nestle, people always ready to sacrifice their life. मतलब राष्ट्र का डिफिनेशन हो गया. अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट में फर्स्ट वर्ड वन फर्स्ट वर्ल्ड वन हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग जो थी वो 1914 से बिगनिंग हुई थी और 18 में एंड हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 टू 1918. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सो मेनी रिसोर्सेस डिस्ट्रॉयड. ह्यूमन रिसोर्सेस एंड अदर रिसोर्सेस कल्चरली socially and so many destruction held during the First World War. And during the First World War, Gandhiji came to India in 1915, December. Gandhiji returned to India from Africa. And Gandhiji went to Africa in 1893. And they also stayed about 22 years in Africa. And Gandhiji returned and they also around all over the India to look after the condition of India. Means, whether the साल भर पूरे इंडिया घूमे और यह कंडीशन क्या था उसको वाच किए देखे और किसी भी वो पॉलिटिकल जो इशू था मुद्दा था उस पर कोई बयान उनको नहीं देना था. और उनको एक सेशन किसने दिया था तो उनके मेंटर बोल सकते हैं पॉलिटिकल गुरु बोल सकते हैं टीचर बोल सकते हैं या गुरु वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो अफ्रीका में थे. उनको ये कहे थे कि आप इंडिया जाइए और एक साल पूरे इंडिया का भ्रमण कीजिए और कोई किसी राजनीतिक मुद्दे पर जो है आपको बयान नहीं देना है एंड डिस्कस नहीं कोई प्रेस के सामने नहीं बोला है सर उन्होंने किया. और गांधी जी कहने पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे जो इंडियन थे इंडियन पीपुल थे नेशनलिस्ट लीडर थे वो सपोर्ट किए ब्रिटिश का. ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सपोर्ट किए. उसके बाद उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने कि फर्स्ट वॉर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई विल गिव यू होम रूल. यानी ब्रिटिश शासन से बोलते हैं या स्वराज से बोलते हैं लेकिन एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे विल गिव देयर प्रॉमिस. यानी वो बोलते अपने प्रॉमिस वाला थे वो नहीं किए तो वे जानते थे कि इस बात क्या होगा इंडिया लोग जो हम क्या करेंगे कुछ रिवोल्ट या मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए इसको दबाने के लिए सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक लाया. उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट जो 6 या रॉलेट एक्ट है 6 अप्रैल को काउंसिल में पास हुआ है. ठीक है 6 अप्रैल जो कौन सी था इंडिया में वहां 6 अप्रैल को पास कर दिया रॉलेट एक्ट. इसमें रॉलेट एक्ट में क्या था तो रॉलेट एक्ट में था बिना किसी भी सबूत के या गवाह के किसी को भी शक के आधार पर सस्पेंशन के आधार पर 2 साल के लिए उसको जेल में हम माने हमें उठा सकते थे. ब्रिटिशर जो है किसी को भी लीडर को या जो हिंदुस्तानी थे या इंडियन थे उनको उठा सकते थे. अच्छा इसका रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा ब्रिटिश का एक ऑफिसर जो उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट उनके कहने पर एक आया था एक मतलब कानून होता है कानून आया था उसकी का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा. इसको ब्लैक कानून काला कानून कहा गया विदाउट अपील विदाउट किसी भी जज के सामने पेश किया किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाला जाता ज्यादा सकता था क्या था रॉलेट एक्ट. ठीक है तो ये 6 अप्रैल को पास हुआ था और इसी रॉलेट एक्ट के अंदर में 13 अप्रैल को जो है क्या हुआ था जलियांवाला बाग मेस्टेनो मेस्टेनो मतलब होता है जन नरसंहार यानी हत्याकांड बहुत सारे लोगों को सब मारना
तो जलियांवाला बाग हत्या कर हुई तो 13 अप्रैल को ये अमृतसर में जलियांवाला बाग था वहां पे हुई थी। वहां उससे पहले अमृतसर के दो लोकल पॉपुलर लीडर थे, उनका नाम था सत्यपाल और किचलू, और ये दोनों को जो है ब्रिटिश जो है टॉयलेट एक्ट के अंदर में वो अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, ठीक है। और इसलिए वहां के लोग फेडरेशन में थे, नाराज थे, तो वहां पर बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, चाइल्ड वुमेन ओल्ड सब लोग उसके दर्द थे। और यहाँ पर जो जनरल डायर था उसका जनरल डायर का पूर्ण नाम पर बात करें तो रेजिनाल डायर नाम था, वो आया लगभग 50 आर्मी के साथ सेना के साथ में, और उन्होंने जो गेट था एक ही गेट आने जाने का वहीं पर खड़ा होकर फायरिंग करना शुरू किया और उसमें 1000 लोग मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हुए, ठीक है। तो एक था रॉयल एक्ट के अंदर में क्या हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में वहाँ हुआ था। कौन गोली चलाया, तो नाम उनका जनरल डायर, ठीक है ना, जनरल डायर ने गोली चलाया तो उसमें 1000 लोग मारे गए, वो सारे इंजर्ड हुए, और उसी में गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध में रॉयल एक्ट सत्याग्रह चलाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने अपने अवार्ड जो है ऑनर सम्मान जो ब्रिटिश द्वारा दिया गया था उसको रिटर्न कर दिया गया, नायकों की उपाधि रिटर्न किया गया रविन्द्र टैगोर के द्वारा, और गांधी जी को जो सम्मान मिली थी केसरी हिंद की उपाधि ऑनर सम्मान उसको वे रिटर्न कर दी। किसके खोज में, किसके विरोध में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी उसके खोज में विरोध में, ठीक है। और इस क्लास में हम तक यही पढ़े नेशनल मीडिया राष्ट्रवाद क्या है, इसका नेशनल मीडिया राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का उसका उपर क्या हुआ इसमें, और ऑलरेडी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आप लोग अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक हम लोग यही इतना ही पढ़ेंगे, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।